नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो है आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बारे में, जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए। आपका भी कहीं बैंक अकाउंट है, एक एटीएम कार्ड आपके पास है, या फिर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जो कि किसी कंपनी या बैंक ने इश्यू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बैंक्स भी 1 अक्टूबर 2020 से इन आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कार्ड इश्यू करते हुए कुछ चेंजेस करने वाला है। तो शुरू करती हूँ आरबीआई की नई गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, डेबिट कार्ड के ऊपर भी, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी, और इन फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई ने ये नई गाइडलाइंस बनाई हैं। बैंक अकाउंट के फ्रॉड के केस में क्या करें, साथ में क्रेडिट कार्ड पर अगर कोई फ्रॉड होता है तो आप अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप वो देख के अपने पैसे को वापस ले सकते हो। आरबीआई के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक को कि ऐसे कार्ड जो कभी भी किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज नहीं हुए हैं लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी उन कार्ड्स पे है, तो वो फैसिलिटी डीएक्टिवेट किए जाए। और इन कस्टमर्स को अगर फ्यूचर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा से उसको एक्टिवेट करा सके। अगर आपके पास आपके जो एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी इंटरनेशनल फैसिलिटी थी और आप उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं या कभी पास्ट में आपने इंटरनेशनल यूसेज अपने कार्ड पर किया है, तो आपका कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डीएक्टिवेट नहीं होगा। सेकंड है, अगर आपके पास ऐसा कोई एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड है जिसपे कि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करने की फैसिलिटी है, इसका मतलब यह है कि आपको पीओएस मशीन में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में उसको इंसर्ट करने की, डालने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से उसको एक सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपकी पेमेंट कट जाती है। अगर ये फैसिलिटी भी आपने कभी पास्ट में कार्ड इश्यू होने के बाद आज तक यूज नहीं की है तो हो सकता है कि बैंक ये कॉन्टैक्ट लेस फैसिलिटी को भी बंद करते। अगर आप उसको दोबारा से एक्टिवेट करना चाहें तो उसके लिए भी आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कौन कौन से तरीके जिनसे आप इंटरनेशनल फैसिलिटी या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की फैसिलिटी एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आगे बताऊंगी। इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो यहाँ से वीडियो को लाइक जरूर करें, यहाँ से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर बटन पे क्लिक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस, आईआरडीए, आरबीआई या मेजर बैंक से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस या सरकारी स्कीम से रिलेटेड, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, आपने ऑल सेलेक्ट करना है ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से जो नई गाइडलाइंस है वो नए कार्ड्स पे भी एप्लीकेबल है। आपको चाहिए अगर कोई इंटरनेशनल यूसेज फैसिलिटी वाला कार्ड, तो भी जो आपके पास कार्ड आएगा वो डोमेस्टिक फैसिलिटी वाला कार्ड ही आएगा, जिसको कि आप विद इन इंडिया पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड ट्रेवल करना चाहते हैं तो जब भी आपको ट्रेवल करना है आप उसमें इंटरनेशनल फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से ये मैंडेटरी है कि सारे बैंक्स जो भी क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं या एटीएम कार्ड इश्यू करते हैं, एटीएम कम डेबिट कार्ड इश्यू करते हैं, वो सब आपको ये फैसिलिटी देंगे कि आप अपने कार्ड्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएं अपनी जरूरत के हिसाब से। आप इंटरनेट बैंकिंग, आईवीआर, एटीएम मशीन, मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपकी कंपनी की या बैंक की, उसके थ्रू भी आप अपने कार्ड्स को मैनेज कर पाएंगे, और आप ब्रांच में जाके भी रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग में भी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये जो फैसिलिटीज हैं ये क्या क्या है, सबसे पहले आप अपने कार्ड की लिमिट सेट कर पाएंगे। अगर मैं ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करूं तो वो आप मैनेज कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में भी जो मैक्सिमम आपकी क्रेडिट लिमिट आपकी कंपनी या बैंक ने दी है उससे ज्यादा आप अपने ट्रांजेक्शन लिमिट सेट नहीं कर सकते, उसी की लिमिट में आप कितना भी अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उसको इंटरनेशनल फैसिलिटी के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है ये आपको हो सकता है सारे बैंक्स ना दे। अगर आप कुछ टाइम के लिए अपने एटीएम कार्ड को यूज नहीं करना चाहते, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि अगले 3 महीने मुझे एक पर्टिकुलर एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आप उसको यूज करें, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। वो ब्लॉक नहीं होगा, जब भी आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं दोबारा से, तो 24 घंटे के अंदर वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और आप उसको नॉर्मली यूज कर पाएंगे। आप अपने एटीएम कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेट भी कर सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्टलेस जो फैसिलिटी है आपके एटीएम कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे उसको भी एक्टिवेट भी कर सकते हैं, उसको डीएक्टिवेट भी
कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि जो कार्ड्स में कॉन्टेक्टलेस फैसिलिटी, पेमेंट फैसिलिटी आती थी वो सिर्फ उसी उन्हीं कार्ड्स में होती थी। अब 1 अक्टूबर 2020 से सारे राइट्स आप अपने कार्ड पे भी ले सकते हो। आप नया कार्ड लेते हो तो उसमें जो जो आपने एक्टिवेट करना है, आप ऐप का, इंटरनेट बैंकिंग का, एटीएम मशीन से, ब्रांच विजिट करके ये सारी फैसिलिटीज का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग में जब लॉग इन करते हैं, अगर आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को कंट्रोल करना है तो आप डेबिट कार्ड के सेगमेंट में जाएंगे या एटीएम सर्विसेज के सेगमेंट में जाएंगे। वहां पे हो सकता है कि आपको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप का ऑप्शन मिले, या फिर आपको वहीं पे ऑप्शन दिखे सेट ट्रांजेक्शन लिमिट, स्विच ऑन और ऑफ डेबिट कार्ड, ऐसे। तो आप उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करके या एप्लीकेशन में लॉग इन करके बैंक की क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में जाना है, तो उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी नए कार्ड्स आएंगे 1 अक्टूबर 2020 के बाद से एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड उन पे इंटरनेशनल फैसिलिटी एक्टिवेटेड नहीं होगी। जब भी आप अब्रोड ट्रेवल करने की सोचते हैं तो इंटरनेशनल फैसिलिटी को जरूर एक्टिवेट कर ले। ये थी मेरी वीडियो आरबीआई की नई गाइडलाइंस को लेके एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे लाइक जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।